नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य बिरला एएमसी के आईपीओ के ऊपर दोस्तों, जहां पे दोस्तों कंपनी का मैं स्वॉट एनालिसिस करने वाला हूं। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और दोस्तों थ्रेट्स क्या है। दोस्तों मेनली जो आईपीओ आया है, ऑफर फॉर सेल आया है दोस्तों। फॉरेन प्रमोटर है, वो अपना शेयर बेचना चाहते। 2768 करोड़ का आईपीओ है। 2565 करोड़ का सन लाइफ जो अपना स्टेक है वो काफ़ी रिड्यूस कर रहा है, 49% से लेके 36.5% का दोस्तों रिड्यूसिंग कर रहा है। 203 करोड़ का है दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल का दोस्तों, जो अपना रिड्यूस कम कर रहे हैं 51% से लेके 50.01% का दोस्तों। आईपीओ का प्राइस है 695 से 751 पर शेयर। और दोस्तों मार्केट कैप रहेगा 20,500। इंपॉर्टेंट डेट्स है वेनसडे सितंबर 2021, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक के रहेंगे और लिस्टिंग जो है 11 अक्टूबर 2021 को होगी। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर दोस्तों थोड़ा नज़र डाल देते हैं। तो पहली बात करते हैं स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी दोस्तों चीज़ कि कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोइंग ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ सेविंग्स, यानी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस आर इंक्रीजली दोस्तों बढ़ रहा है, सब पैसे लगा रहे तो एक बहुत बड़ा अच्छा है। दूसरा है दोस्तों हाई आरओई बिजनेस है दोस्तों, लाइट मॉडल है और आरओई जो है 31% है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों लिस्टेड पीयर्स में। अनडिमांडिंग वैल्यूएशन है दोस्तों, वैल्यूएशन 33x है दोस्तों और डिस्काउंटेड टू पीयर्स है। पीयर्स के जो वैल्यूएशन है HDFC AMC का 45 के आसपास है, बाकी AMC निपोन का भी है दोस्तों काफ़ी हायर, बट इनका कम है दोस्तों। कंसर्न क्या है दोस्तों, वीकनेस के ऊपर नज़र डालते हैं। डिक्लाइंग मार्केट शेयर दोस्तों, कंपनी का मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड में कम हो रहा है। 2019 में 10.1% था इन मार्च और दोस्तों 8.3% हुआ है जून 2021 में, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है बड़ा। और दूसरा कि दोस्तों जो ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री में काफ़ी कम है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एडवर्स ओम मिक्स है दोस्तों, शेयर ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल इक्विटी सेगमेंट इज अप 37% और लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 41% दोस्तों। और नॉन बैंकिंग AMC है दोस्तों, तो बड़े तगड़े प्लेयर है, SBI है, HDFC है, कोटक है दोस्तों और दोस्तों एक्सिस है, तो उन सबसे पंगे पड़ने वाले हैं, तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का खुद का कंसर्न है कि दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जो AMC के जो भी लिस्टेड AMC है उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, मार्केट इतना सुधरा फिर भी। रीज़न क्या था दोस्तों, तो उसके रीज़न ये है कि दोस्तों पीपल्स आर नाउ डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन इक्विटी दोस्तों। तो एक कंसर्न है कि जो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाते थे अब वो डायरेक्टली इक्विटी में आ गए, तो उसका इनडायरेक्ट जो लॉस होगा वो आदित्य बिरला AMC, HDFC AMC सब में होगा दोस्तों, एक वो बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा दोस्तों भरोसा, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो फंड था उनका जो फियास्को हुआ उसके बाद दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा था वो थोड़ा कम भी हो चुका है, तो एक और एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से दोस्तों ये इंडस्ट्री के लिए है सारा, नॉट ओनली आदित्य बिरला AMC के ऊपर है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है कि दोस्तों जो हमारा जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से दोस्तों बहुत कम डीमैट अकाउंट भी है मार्केट में, और दोस्तों बहुत ही कम आप बोल दें कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगा रहा है, जो बाकी जो बड़े कंट्री है USA और बाकी जो कंट्री है विकसित कंट्री उसके सामने, तो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी बन सकती है। बट दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी कब हमारे लोग वो अंडरस्टैंड करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, और बाकी सब कंसर्न भी है हमारे देश में देश के लोगों के लिए, तो उसकी वजह से एक अभी अच्छा अच्छा दोस्तों ये IPO है। IPO में कोई गलत नहीं है, बेस्ट कंपनी है, प्रमोटर बेस्ड है, बट दोस्तों यहाँ पे मैं इतना ऐसा नहीं है कि भाई IPO में पैसा लगा लो तो आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जरूर से पैसा मिलेगा बट लिस्टिंग के लिए दोस्तों मार्केट में भी थोड़ा कंसर्न है, तो ऐसा लग रहा है कि दोस्तों शायद आपको मौका मिल सकता है, जो अभी प्राइस है उसके नीचे भी आपको बाय करने का मौका ये कंपनी देगी दोस्तों। तो IPO में दोस्तों इतने आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके लगाना है, आपको सब्सक्राइब करना है, अगर करना है, अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर है तो आप डेफिनेटली इसमें पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। बट लिस्टिंग गेन थोड़ा सा कम रहेगा, बट लंबी अवधि के लिए काफ़ी अच्छा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो आपको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है दोस्तों।
ये दोस्तों सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें ट्रेड या निवेश की सलाह देते तभी आप अपना पैसा लगाइए। और दोस्तों इस आईपीओ को आपको फिल करना है तो दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।